हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द मार्केटिंग। सो बी टू बी बिजनेस मार्केटिंग एंड बी टू सी मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो हम ये वीडियो में क्लियरली विथ एग्जाम्पल देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फर्स्ट थिंग इन बी टू बी मार्केटिंग, दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ बी टू बी एंड बी टू सी मार्केटिंग। सो बी टू बी मार्केटिंग, the selling of the goods and the services between two business entities known as B2B, यानी business to business marketing। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपोलो ले लो या फिर MRF ले लो या फिर C8 ले लो, तो ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना टायर डायरेक्टली कोई कार या फिर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे रही है फॉर देयर व्हीकल असेंबली। ओके, तो ये है वो बी टू बी बिजनेस मार्केटिंग है, यानी एक टायर बनाने वाली कंपनी कार मैन्युफैक्चरर को टायर दे रही है, तो ये बी टू बी बिजनेस मार्केटिंग का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। सो समझ में आ गया होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट दे रही है एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज बी टू बी मार्केटिंग। एंड बी टू सी मार्केटिंग, यानी द ट्रांजेक्शन इन विच बिजनेस सेल्स एंड द गुड्स एंड द सर्विसेज टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। यहाँ पे आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि B2C मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट है वो कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर यानी कस्टमर जो एंड यूजर है उसको देती है। जैसे कि मान लो कि Amazon है, तो Amazon की जितनी भी सर्विसेज है वो डायरेक्टली B2C सर्विसिंग में आएगी फ्रेंड्स। यानी मान लो Amazon कोई म्यूजिक है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज B2C मार्केटिंग। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दू तो आप जो YouTube अभी पे जिसके ऊपर वीडियो देख रहे हो वो भी B2C मार्केटिंग का एक एग्जांपल है। Facebook जो है, सोशल मीडिया है, ये सब B2C मार्केटिंग के एग्जांपल्स है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकेंड दैट इज कस्टमर। सो B2B मार्केटिंग में कस्टमर कौन होगा? कंपनी इटसेल्फ। एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट बेचेगी, दैट इज B2B मार्केटिंग। एंड B2C मार्केटिंग, जहां पे कंज्यूमर यानी कस्टमर जो होगा वो एंड यूजर होगा, जो लास्ट में प्रोडक्ट को सर्विसेज को यूज करने वाला होगा, दैट इज B2C मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन, फोकस ऑन। B2B मार्केटिंग में फोकस किया जाता है रिलेशनशिप पे। जिसकी भी जो भी कंपनी है आपकी, वो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बिल्डिंग बनाए रखेगी तो आपका बिजनेस जो होगा एंड मार्केटिंग जो होगी वो बहुत ही इजीली हो जाएगी। यहाँ पे B2C में प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी जरूरी है, यानी B2C मार्केटिंग में प्रोडक्ट पे फोकस किया जाएगा, B2B मार्केटिंग में रिलेशनशिप पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन, क्वांटिटी ऑफ मर्चेंडाइज। B2B मार्केटिंग में क्वांटिटी ऑफ मर्चेंडाइज होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, जबकि B2C मार्केटिंग में क्वांटिटी ऑफ मर्चेंडाइज जो होती है वो स्मॉल स्केल पे होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, रिलेशनशिप। B2B मार्केटिंग में सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर होलसेलर एंड होलसेलर से रिटेलर तक जो होता है वो प्रोडक्ट जाता है फ्रेंड्स, जबकि इन B2C मार्केटिंग रिटेलर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं फ्रेंड्स। देन आफ्टर रिलेशनशिप होरिजन, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होरिजन रहता है रिलेशनशिप का, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का होरिजन रहता है रिलेशनशिप का। नेक्स्ट वन, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग साइकिल। सो B2B मार्केटिंग में लेंथी है साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेंथी है, जबकि B2C मार्केटिंग में बाइंग एंड सेलिंग साइकिल है वो शॉर्ट है फ्रेंड्स। एट नंबर, बाइंग डिसीजन। यहाँ पे B2B मार्केटिंग में बाइंग डिसीजन जो होता है वो प्लान्ड एंड लॉजिकल बेस्ड ऑन नीड होता है फ्रेंड्स, एंड जबकि B2C मार्केटिंग में जो बाइंग डिसीजन रहता है वो इमोशनल बेस्ड ऑन वांट और डिजायर पे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे नीड्स पे होता है, यहाँ पे वांट एंड डिजायर पे होता है। सो फ्रेंड्स, हमने 8 डिफरेंट डिफरेंसेस देखे हैं, और लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, क्रिएशन ऑफ ब्रांड वैल्यू। B2B मार्केटिंग में ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करती है फ्रेंड्स, जबकि B2C मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन
ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सो दो कैटेगरी की मार्केटिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पे ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ज्यादा है, दैट इज बी टू बी मार्केटिंग एंड बी टू सी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, जिसके ऊपर ज्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है फ्रेंड्स। सो 9 डिफरेंस हमने देखे, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकॉन फॉर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट ग्लोबल एंड अनदर एंटिटीज, एंड स्टे कनेक्टेड विद यूनिक नॉलेज सिटी फॉर अपग्रेडिंग योर स्किल्स, योर नॉलेज एंड योर ओवरऑल डेवलपमेंट। Take care, stay safe.